मैंने कभी किसी को सामने से कोई जवाब नहीं दिया, ना मैंने किसी का मतलब नाम लेके जवाब दिया, बट इस तरह की बातें मार्केट में होती थी कि क्यों फ्री फोकट में लोगों को साफा बांटने की क्या जरूरत है, हम इस चीज के वो सब चीजें बात की बात है। तो ऐसी तो हम काम करेंगे ना, तो पीछे से काम देखो, काम सभी कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम आपका लोगों के सामने आएगा और उस वक्त अगर लोग बोल रहे हैं दैट मीन्स आपका काम चल रहा है, ठीक है उसको चलने दो, और अगर नहीं बोल रहे लोग तो मीन्स अपन को मेहनत करने की बहुत जरूरत है। जब कभी जैसे जैसे इस कॉमेंट में बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, अब वो गलत बोल रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि हाँ मतलब काम चल रहा है, बढ़िया चल रही हूँ मैं। और जब मुझे अभी तक जब गलत कमेंट्स नहीं दिखे थे ना, तो मुझे अंदर से बहुत टेंशन हो गई थी कि मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं मतलब नहीं हूँ, मैं ठीक रास्ते पे नहीं चल रही हूँ। तो गलत आसपास चारों तरफ से गलत चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, गलत कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है, गलत लोगों का ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो मतलब हम नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे यार, अपन बैठे आराम से। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। काला टीका लगाया करो गुड़िया, हमारी नज़र लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जमा कंडीरी सा, थैंक गॉड अब लाइव मिले। हाँ मुझे लाइव आना था। कमेंट कभी रीड नहीं करते, मैं अभी सभी के कमेंट रीड कर रही हूँ। मावड़ी रो नाम ऐसा आपा ही चालसी। बिल्कुल मावड़ी रो नाम ऐसा आपा ही चालसी। मैंने कहा था ना मावड़ी मतलब साथ क्यों नहीं देंगे, वो ऐसे हाथ पकड़ के ना आगे तक लेके आते हैं हमको, हम सभी को जो चाहते हैं ना कि है मावड़ी मेरे साथ दे, तो माँ ना ऐसे हाथ पकड़ के आगे तक लेके आते हैं जिन भी भगवान को, जिन भी जिनमें भी हमारा ईस्ट है, जिन्हें हम मानते हैं ना, वो मैं आगे तक लेके आते हैं। लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि मैं लेके तो आ जाऊँगी तुझे आगे तक, लेकिन वहाँ आने के बाद में उस काम को संभालना तुझे है, उसको पकड़े रखना तेरे को है, और वो बहुत मुश्किल है। हम इतना इजी समझते हैं ना, वो इजी नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर नहीं संभाला ना तो फिर से वहीं आ जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया था, या शायद उससे भी बहुत नीचे। जय मां कंडीरी सा, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, थैंक यू सो मच। जय मां कंडीरी सा, जीजा पालनपुर का व्लॉग कब डालोगे? मैं सच बताऊं मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं एडिट करूं उसको, और शॉप में पूरा टाइम निकल जाता है आप सभी के साथ में। जमा करनी री सा हुकम, जमा करनी, जय श्री श्याम। 500K की खुशी में मैं कुछ बड़ा तो अनाउंसमेंट नहीं करने वाली हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कन्नी फैशन को लेके। बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा उसको लेकर, तो एक नई प्लानिंग मेरी चल रही है और बहुत जल्दी वो मैं अनाउंस करने वाली हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा टाइम मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि जल्दबाजी में आई थिंक मुझे वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट हाँ उस पर ऑलमोस्ट बहुत सारा वर्क हो चुका है और कुछ परसेंट बाकी है, वो पूरा होने के बाद में मैं आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ अपने कन्नी फैशन को लेके। तो आज तो मैं वो अनाउंसमेंट नहीं करूंगी, लेकिन बहुत जल्दी एक और नया अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कंडीशन को लेके। मैम आपकी शॉप कहाँ है? अपनी जयपुर में दो शॉप है, दोनों शॉप की लोकेशन आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। पहली कालवाड़ रोड पे है जो कि रावण गेट प्रताप सर्किल पे पड़ता है, और दूसरी मॉल ऑफ जयपुर में है जो कि वैशाली में पड़ता है। जमा करनी री सा, और मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, ये कि ये अपनी मेन आईडी है मतलब कन्नी फैशन की, यही आपको पर्टिकुलर अपने सारे जो भी अपडेट्स है वो यही मिलेंगे, जो भी वीडियोस है वो आपको यही मिलेंगे, जो भी फीडबैक शेयर होते हैं वो सभी आपको यही मिलेंगे। और ऑर्डर के अभी अपने पर्टिकुलर दो नंबर चल रहे हैं, पहला 9672239827 जो ऑलमोस्ट मतलब इस आईडी पे जो भी डिटेल्स डाली हुई है वो सारी रियल है, यहाँ से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। अपनी एक वेबसाइट है kannifashions.com करके, वहाँ से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है जहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, कोई फेसबुक आईडी नहीं है, इवन फेसबुक पे अपनी रियल आईडी है ही नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी है।
सो अगर ऑर्डर करना है तो भी यहीं से. इसके अलावा दूसरी कोई आईडी अपनी नहीं बनी हुई जहाँ से ऑर्डर बुक कर सकते. कोई कहता है कि नहीं हम कंडी फैशन के मेंबर हैं, हम कंडी फैशन का स्टाफ हैं, हम कंडी फैशन से जुड़े हुए हैं, हम ये हम वो, तो कोई ऐसा कुछ भी अदर प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अदर पर्सन नहीं है या कोई दूसरे नंबर नहीं है जहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं. सिर्फ एक यही आईडी है, एक यही प्लेटफॉर्म है, इसी पे दिए हुए नंबर और इसी पे दी हुई इन्फॉर्मेशन है जो आप अपना, जिससे आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा और कोई भी नहीं है. अगर इसके अलावा कहीं से भी आप अपना ऑर्डर बुक करते हैं तो इसकी कोई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंडी फैशन नहीं लेगा. तो मैं ये वीडियो एक पर्टिकुलर एक रील में भी पोस्ट करूंगी और मैं लाइव में भी आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं जो लोग कर रहे हैं कंडी फैशन के द्वारा. सो मैं एक अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ इस चीज़ को लेकर. सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें. सिर्फ इसी आईडी के नंबर, हाँ इस आईडी पे जो भी नंबर दिए हुए हैं सिर्फ वही नंबर प्रोवाइड है. इसके अलावा और कोई सेकेंड अपना पेज नहीं बना हुआ, कोई अदर कोई पर्सन नहीं है. कोई अगर कहता है कि नहीं हम कंडी फैशन से हैं, हमारा माल वहाँ जाता है, हम यहाँ से ये करते हैं वहाँ से ये करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे द्वारा. अगर मेरी विदाउट इन्फॉर्मेशन के द्वारा ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए कंडी फैशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आई एम सॉरी. जमा कंडीरी सा नहीं, सीओडी की प्लानिंग नहीं है. मैं प्रॉब्लम तो शेयर करती नहीं आप सबके साथ में कि मतलब ये ऑनलाइन ये पार्सल पहुंचने में ऑनलाइन मैं ये तो मैं बताती नहीं कि प्रॉब्लम कितनी होती है. मतलब मैं टचवुड अच्छे कस्टमर भी है और मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर भी है जो पता नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा बैठ जाओ तुम बस तुम, मतलब उनको सहन ही नहीं होता कि कोई लड़की काम कर रही है, उनको पसंद ही नहीं होता कि मतलब कैसे ये लड़की अपना काम कर रही है वो भी ऑनलाइन, हो ही नहीं सकता यार. ये ऐसे ऐसे कस्टमर भी मैं तो मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मेरे सामने और मेरे आसपास हमेशा अच्छा ही दिखे, पॉजिटिविटी हो. गलत चीज़ें आसपास भी नजर आती है तो मुझे खुद को पता लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ गलत है, उसे यार साइड ही हट जाओ. बहुत से लोग ऐसे जिनको मतलब सहन ही नहीं होता कि ये एक लड़की होके कैसे काम कर रही है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, कैसे अपना काम सेट कर रखा है. इवन मेरे मेरे ही जो इस फील्ड के जो लोग हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं मेरे इस फील्ड में, उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती कि कैसे ये एक लड़की होके और ऐसा कुछ कर रही है. जमा कंडीरी सा जमा करनी. तो एक बार फिर से मैं बस इस चीज़ को लेकर शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जो फैमिली जीरो से स्टार्ट हुई थी वो आज 500K पे पहुँची और आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से और माँ करनी के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर लेती हूँ. बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें. काफ़ी सारे फेक अकाउंट हैं मैं खुद आपको बता रही हूँ, लेकिन इस अकाउंट के अलावा और कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जहाँ से अपना आप ऑर्डर देख सकते हैं. और इसके इस आईडी पे दिए हुए नंबर के अलावा आप कहीं से भी अपना ऑर्डर बुक नहीं कर सकते. और इसके अलावा अपना कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडी फैशन का सिर्फ एक यही अकाउंट है जहाँ से आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी. जमा करनी थी सा पटाखे फोड़े भाई 500 के हुए, मेरी शादी नहीं हो रही जो पटाखे फोड़े. अपन अक्षु और तृप्ति जी ने इतना खाने का भेजा ना, अभी भी मेरे को पता है वही खाना पड़ रहा है तृप्ति जी, और इतना सारा खाया पेट फूट गया मेरा, मतलब पेट फूटने वाला हो रहा था जी. बिल्कुल जब भी आप कभी राजस्थान आए, राजस्थान पधारे हैं, जयपुर आए, तो कंडी फैशन पे आना बिल्कुल ना भूलें. मेरे पास और कोई प्रमोशन का तरीका नहीं है. मेरे पास अनाप शनाप पैसा नहीं है कि मैं उड़ाऊं और जगह जगह बांटूं कि यहाँ फ्लैक्स लगाया, यहाँ प्रमोट किया, इस पे चलाया.
मैं अपना सेल्फ प्रमोशन करती हूँ, और इवन मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी पर भी कंडी फैशन का कभी स्पेशली आके प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि कंडी फैशन एक रतन अलग है, कंडी फैशन अलग है, तो सब दोनों को इंडिविजुअल रहना चाहिए। तो मुझसे जितना हो सकता है ना उतना मैं आप सभी के बीच में कंडी फैशन को लाने की कोशिश करती हूँ, और रीज़न ये कि इस कंडी फैशन में माँ करनी का नाम है, तो और मुझे कोई और तरीका ना मेरे को आता है और ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इसको दूसरे एक हाई लेवल पे कंडी फैशन को प्रमोट कर सकूं, और बस मेरे पास एक यही तरीका है कि आप सभी के बीच में कंडी फैशन को मैं इसी तरीके से प्रमोट कर सकती हूँ। गणी का मासा एड्रेस नॉर्मली गूगल मैप पे आपको मिल जाएगा कंडी फैशन रतन चौहान के नाम से, और बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन आपको पहुंचा देंगे, मतलब पहुंचा देंगे कंडी फैशन पे।